गाइस ये देखो आज सुबह का व्यू, और आज वैसे अलर्ट दिया हुआ है 3 दिन तक, मतलब 23 तारीख तक। और अब आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, तो इधर को आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप लग चुकी है इधर को। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान, आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में कढ़ी बची हुई है, वो थोड़ी सी बची हुई है, वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट में हो जाएगी। और मुझे चाय बनानी है उसके साथ, और बनानी होगी मुझे अभी चपातियाँ, तो मैं अभी उसको बनाती हूँ। तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है, तो चाय, कड़ी, चपाती। सुबह के टाइम मैं 3 चपातियाँ खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए 3 ही बनाई है। अभी मैंने ये कम्बलें बाहर निकाली हुई है, ये तब से लेकर बाहर नहीं निकाली थी, जब से लेकर मतलब ये धोई थी, क्योंकि धूप ही नहीं लगी थी, ये लेंटर पर सुखाई गई थी। तो अभी मैंने ये, अभी अच्छी धूप लगी हुई है तो ये मैंने अभी बाहर निकाल दी है। इधर मैंने लगा दिया है जी पानी नहाने के लिए। और इधर देखो भैया बाहर का व्यू, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, कुछ टाइम बाद इधर बारिश हो सकती है। तो देखो ऊपर, ये वैसे सो के उठ रही हूँ और अभी मैंने पानी लगाया हुआ है नहाने के लिए। तो भाई जैसे ही उस टाइम तो धूप लगी हुई थी बाहर, जैसे ही मैंने अभी देखा ना, अभी मतलब कैसा लग रहा है कि अब तो बारिश होने वाली है। तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:53 है। तो आप ऊपर देख रहे हो ना स्टडी वेयर को, तो इसका हाल देखो क्या हुआ है। तो ये मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ, बरसात में इसका ऐसा हाल हो ही जाता है हमेशा। इसको देखो आप, इसकी शक्ल ना बेशक्ल हो चुकी है। तो देखो आप इसको अच्छे से, बेचारा जैसा, यार चल निकल जा रहा तू, मतलब कि इसको ना अब ढंग से नहलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना फंगस सी लगी हुई है। जैसे इसके हाल पता क्यों हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि जैसे ईजाई होती है ना, तो पहले तो आप इसको ढंग से देखो भाई, इसको तो ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्या बना हुआ है ये। तो जैसे जब ईजाई होती है तो तब उसी टाइम निकालते हैं इसको नीचे, तब ऐसे कभी खाना खा रही होती है तब भी उस मतलब गंदे हाथों से इसमें फंस जाती है, तो उस वजह से ये होता है ये। तो देखो बरसात में फिर ऐसा हाल हो जाता है, जबकि पहले नहीं होता था। मैं इसको वॉश में उसी टाइम करूँगी जब बाहर बारिश है बंद हो जाएगी, क्योंकि कल से और बारिश है दी हुई है। तो इसका भी देखो, इसका भी बेचारे का मुंह ख़राब हुआ है, ये भी अच्छे से धोना पड़ेगा, अच्छे से वॉश करना होगा इसको भी, इधर से भी थोड़ा ख़राब है। पहुंच चुकी हूँ जी इधर मन्नत के रूम, तो देखो आप मन्नत को, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर एक डिनर बना रहे हैं। तो डिनर बनाने वाली लड़की ने आज फास्ट रखा हुआ है, तो इनको लगाया हुआ है जी डिनर बनाने। नमस्कार, मेरे को आते रहता है इसमें नमस्कार जी। इनको आदत पड़ गई, तो मैं करती थी। क्या बना रहे आज आप? दाल भाई। इन्होंने देखो क्या लिया हुआ, विशाल में का मार्च ना, क्या बोलती इसको, बोलती क्या इसको, जो भी बोलती। देखो गाइस आप सब भी इसको लेना, मिक्सर बोल दो। हाँ जैसे टमाटर वगैरह होगा ना, तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दाल वगैरह, मोटी दाल होगी पतला करने के लिए ना, इसका यूज किया जाएगा तो बहुत अच्छी होगी। क्या बना रहे हो आप? मूंग की दाल बनाई जा रही है आज दोस्तों। ये है भोग, इसको बोला जाता है अक्षार, तो ये शिव जी को चढ़ावे के लिए बनाया गया है।
तो गाइज इधर देखो कौन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, पूजा के दीजिए जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गाइज अभी बना रही हूँ मैं डिनर, और आज डिनर में बन रहा है जी पत्ता गोभी की सब्जी, और मैंने प्याज वगैरह कट कर दिया है, तो इसके साथ मैं चपातियां बनाऊंगी। अभी मुझे देना है तड़का, तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, तो अब मुझे ही बनानी होगी अभी। तो गाइज हमारा डिनर बन चुका है और अब हम डिनर करने वाले हैं, तो देखो। तो गाइज ये था मेरा आज का डे, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो आप मेरे चैनल को जरूर करें। बाय बाय गाइज।